ग्राम पंचायत मुरहन जमीन आए हुए हैं। यहाँ पर पंचायत चुनाव में हो रही सारी सरगर्मी, सभी चीज आपको दिखाएंगे। यहाँ प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे चुनावी वादे, सारे हथकंडे और सारे स्टंट आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज कुमार मंडल जी, ये मुखिया प्रत्याशी हैं, अच्छे कर्मठ दावेदार हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से विकास कार्य इनके समाज में, इनके पंचायत क्षेत्र में करना अत्यंत जरूरी है। सबसे पहले पंकज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, आपके चैनल से मैं पंचायत वासियों को सबसे पहले दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पंकज जी, चूंकि आपका राजनीतिक पहले से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा है, आप प्रमुख प्रतिनिधि रह चुके हैं 5 साल, आपने उस दौरान भी काफी ग्राम सेवा किया, आम जनता की मदद की, हमेशा से आप ग्रामीण क्षेत्र में रहे, समाज सेवा करते रहे, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन से बातों पर जनता आपको वोट करेगी? जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत में जो पिछले 5 सालों में कार्य हुआ, उसमें जो भ्रष्टाचार लिप्त हुआ कार्य में, और जो भी कार्य हुआ है, कार्य सारे मेरे समझ से अधूरे पड़े हैं, उन कार्यों को सबसे पहले मैं पूरा करूंगा। और हमारे पंचायत में विकास तो बहुत हुआ लेकिन निकास नहीं हो सका, जल जमाव की समस्या अभी बरकरार है। सारा नाला सारे पंचायत में जहाँ भी बना है वो अधूरा पड़ा है, बीच बीच में ले जाकर छोड़ दिया गया है, रोड भी बना है तो अधूरा पड़ा है, मतलब गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ मेरा। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ, आपको और भी मौका देंगे, आप संतुष्ट नहीं है और जनता, खासकर जनता संतुष्ट नहीं है अपने जनप्रतिनिधियों से। इस प्रकार से आपने कहा कि सड़क नाले का निकास नहीं हुआ, सड़क का निर्माण उस प्रकार से नहीं हो सका, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ यहाँ के लाभुकों को मिला है, आपकी जनता को, आपके क्षेत्रवासियों को, कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ मिला, भरपूर लाभ मिला, ऐसी कोई एकाक योजना आपके मन में अगर हो तो बताएं? जी ऐसी तो मुझे कोई योजना नहीं मेरे समझ से कि पंचायत में उसका भरपूर लाभ मिला हो, सारा योजना सिर्फ बंदर बांट हुआ है, अधूरा कार्य हुआ है और उसमें करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। चूंकि आप समाज में जनसंपर्क अभियान में हरेक लोगों से मिल रहे हैं, जनता की समस्याओं को आप देख रहे होंगे, रूबरू हो रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके पूरे पंचायत क्षेत्र में सबसे बड़ी विकराल समस्या किन चीज़ों की है? क्या जनप्रतिनिधि के कारण विकास नहीं हो पाया, आप बिचौलियों के कारण विकास नहीं हो पाया, या फिर यहाँ की जनता सुस्त है, जनता विकास नहीं चाहती, आपको सबसे बड़ा समस्या विकास के रास्ते में क्या लगता है? जी विकास के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पंचायत में पिछले कुछ वर्षों से जनता के मन में ऐसा बैठ गया है कि बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए जहाँ पैसा लगता है, गलत काम होता है, भ्रष्टाचार होता है, वहीं लोग पहुँचते हैं। और मेरा दावा है कि मैंने 5 साल उपप्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते जो कार्य किया है, मेरे पास चाहे इंदिरा आवास की लाभु आए हों या विधवा पेंशन लक्ष्मीबाई पेंशन, किसी भी कार्य से जो मेरे पास आए 5 सालों में मैंने किया, मेरा रिकॉर्ड है, मेरा दावा है कि मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, उसमें कार्य किया। बिना पैसे के काम नहीं होता है कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पर, ये बात सही है क्योंकि बिचौलिए इस प्रकार से कमीशन खोरी करते हैं, विधवा पेंशन के नाम पे, वृद्धा पेंशन के नाम पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे काफ़ी लूट खसोट होती है। और ऐसे में जनता का यह मानना या यह सोचना कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, ये बहुत हद तक सही है, कहीं से ये गलत नहीं साबित होता। आप बताएं चुनाव जीतने के बाद आप कौन कौन से अभी वादे कर रहे हैं जिनको आप सबसे पहले पूरा करेंगे, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो लग रहा है आपको कि आपके पंचायत क्षेत्र में सबसे पहले उसका निराकरण होना चाहिए? मैं वादे पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ और काम पर ही जनता मुझ पर भरोसा करती है, और पंचायत की जनता ने ही मुझे कहा कि आपके ऐसे प्रतिनिधि को मुखिया बनकर प्रतिनिधित्व करना चाहिए, आप पंचायत में मुखिया पद के दावेदार हैं और अच्छे प्रतिनिधि हैं, आप मुखिया पद से लड़िए, और जनता के कहने पर ही, गरीब जनता के, देवमयी जनता के कहने पर ही मैं मुखिया पद से चुनाव लड़ रहा हूँ और भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है, विशेषकर गरीब जनता से जो कि अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, हरिजन कास्ट जो हैं, और जो अल्पसंख्यक कास्ट हैं, पासवान हैं, हरिजन हैं, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है क्योंकि मैंने 5 वर्षों में सबका भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया। किसी भी कार्य से मेरे पास आते हैं तो मैं किसी का भी छोटा हो या बड़ा हो आदर सम्मान के साथ उनका कार्य करता हूँ, किसी को भी मैं किसी का तिरस्कार नहीं करता, छोटा हो या बड़ा हो, मैं 24 घंटा तत्पर रहता हूँ उनके मदद के लिए। चलिए, आपको तो जनता का साथ है, इस प्रकार से यदि जनता का साथ रहे तो कोई भी इंसान जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनावी मैदान में आएगा, क्या लगता है आपको पंचायत चुनाव में जो चुनावी प्रक्रिया होती है, मतदान की जो बातें होती है, मतदान होती है, उन सभी चीज़ों को बरगला दिया जाता है, शराब, दुर्गा या जातीय संरचना,
कहीं ना कहीं सामुदायिक संगठन भी इन सब चीज़ों में बड़ा रोल प्ले करता है। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र की जनता विकास में ही कैंडिडेट को वोट करेगी, अपना मतदान देगी, या फिर वही शराब मुर्गा और सामुदायिक संगठना में फंस वोटों का बंटवारा हो जाएगा, या फिर कहें तो वोट बर्बाद हो जाएगा और कोई ऐसे प्रत्याशी जीत जाएंगे जिन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं है? क्या आपको अपनी जनता पर इस प्रकार से कोई भरोसा है? जी जी, मुझे इस बार अपने पंचायत की जनता पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि वो इस बार सही प्रतिनिधित्व को देखकर, मेरे कार्य को देखकर मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं विजयी होऊंगा, क्योंकि मैंने जो कार्य किया है उनकी सराहना पूरे पंचायत में हो रही है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि वो किसी दारू मुर्गा या किसी पैसे की लालच में आकर वोट नहीं करें, क्योंकि वो पैसा जो आज खर्च करेंगे प्रत्याशी, वो आप ही के विकास कार्य से निकालेंगे और आपका विकास कार्य बाधित होगा। सही बात है, पैसों से चुनाव को बरगलाया जाता है, खराब किया जाता है, वोटर को बरगलाया जाता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की स्थिति, पंचायत चुनाव की जो छवि है वो बहुत ही गंदी या धूमिल हो चुकी है। एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल और बड़ा ही छोटा सवाल है, आप अपने पंचायत वासियों से, अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या देखकर एक प्रत्याशी को वोट करना चाहिए? कौन सी ऐसी खूबी होनी चाहिए एक जनप्रतिनिधि में या प्रत्याशी में जो देखने के बाद मतदाताओं को उन पर यकीन करना चाहिए और वोट करना चाहिए? क्या अपील करना चाहते हैं आप अपने पंचायत क्षेत्र की जनता से? जी, जनप्रतिनिधि का तात्पर्य होता है, उसका सही अर्थ होता है जन सेवक, जो जनता की सेवा करे। लेकिन मैं प्रायः देखता हूँ कि लोग जनता की सेवा नहीं करते हैं, जब बन जाते हैं वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, तो वो जनता से ही अपना सारा माल जो खर्च करते हैं वो वसूलते हैं और उनके विकास कार्यों में, किसी भी कार्य में वो पैसा लेते हैं और मन पूरे 5 साल बर्बाद कर देते हैं और सारे चीज़ को नकारते हुए वो अपने लालच में, पैसे के लोभ में पढ़ कर पंचायत को बर्बाद करते हैं। तो अच्छे सुयोग्य कर्मठ उम्मीदवार को चुनना चाहिए, इस प्रकार से आपका कहना? जी जी, मैं जनता से अपील करूंगा कि सच्चे और सही और ईमानदार आदमी को चुने, जो आपको हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहे, आपका मदद करे और आपके बच्चे के भविष्य के लिए जो कार्य करे, क्योंकि सबसे बड़ी व्यवस्था है शिक्षा की व्यवस्था, और आप अपने बच्चे के भविष्य को, शिक्षा को लेकर तत्पर रहिए और देखिए कि आपके समाज में कौन सही कार्य कर रहा है, किसके कहने पर और किसके पास जाएंगे, किनको प्रतिनिधित्व देंगे, जो हमारे बच्चे का भविष्य और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ पंकज कुमार मंडल जी, का चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, 15 तारीख को चुनाव होना है, 17 या 18 तक रिजल्ट भी आ जाएगा। जो भी इनकी संरचना है चुनावी, जैसा भी यहाँ के जनता का माहौल बनेगा, इन सभी चीज़ों को रूबरू हम फिर से चुनावी दिन और रिजल्ट वाले दिन आपको करवाएंगे। आखिर क्या स्थिति रही चुनाव की इस क्षेत्र में? मुरहन पंचायत से थे हमारे साथ पंकज जी, इन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पंचायत क्षेत्र में आखिर विकास क्यों नहीं हो पाया, क्या देखकर यहाँ की जनता को वोट करना चाहिए, और जब ये पिछले 5 साल से प्रतिनिधि थे इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, कैसे गरीबों की मदद, इन सभी चीज़ों पर हमने बात की। और आगे भी इसी प्रकार से चुनावी सारी रणनीति आप तक पहुंचाते रहेंगे, हर प्रत्याशी की जो भी वादे हैं, जो भी उनकी चुनावी स्तंभ, इन सभी चीज़ों को आप तक दिखाएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे, सारी संरचना पंचायत चुनाव की आपको हम सिल टीवी पर लगातार दिखाते रहेंगे। यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।